सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार को प्रयागराज दौरे पर पहुंचे। उन्होंने मेला क्षेत्र में बने 13 अखाड़ों के पंडालों का निरीक्षण किया। इसके बाद सीएम योगी ने मेला पुलिस कार्यालय पहुंचकर नाविकों को सुरक्षा जैकेट वितरित की। भाव के साथ चले हैं, चलते रहे हैं। हमने अपने अतिथि को देवतुल्य समझा है। हमारे लिए वो हर व्यक्ति जो प्रयागराज की धरती पर आएगा अतिथि ही है। उस भाव को ध्यान में रख करके अच्छा बोलना, अच्छा करना और अच्छा अपने स्तर पर व्यवस्थाएं देने की प्रयास करना। नकारात्मकता में जीवन नहीं है। हमारी नकारात्मक शक्ति हम सबको बड़ा नहीं बनाती है। नकारात्मकता व्यक्ति को कभी महान नहीं बना सकती। जीवन का सार तत्व व्यक्ति की रचनात्मकता में है, उसकी सकारात्मक ऊर्जा में है। ये सकारात्मक ऊर्जा समाज के लिए उपयोगी हो, राष्ट्र के लिए उपयोगी हो, लोक के लिए उपयोगी हो, ये हम सब का भाव होना चाहिए। और सकारात्मक ऊर्जा हम सब के लिए ही कि प्रयागराज में जो आएगा वह यहाँ की ऊर्जा से उत्प्रोत होगा। अच्छा संदेश प्रयागराज के बारे में, यहाँ के नागरिकों के बारे में, आने वाले संतों के बारे में, यहाँ के पुरोहितों के बारे में, यहाँ के नाविकों के बारे में, यहाँ के पुलिस कर्मियों के बारे में, प्रशासन के बारे में, सबके बारे में अच्छा मैसेज है। और यह एक व्यक्ति की नहीं, हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। सबकी अपनी अपनी भूमिका है। हर व्यक्ति अपनी भूमिका के साथ अगर आगे आएगा बहुत बड़ा संदेश होगा। इस संगम का, इस कुंभ का, प्रयागराज का, उत्तर प्रदेश का और हमारे देश का एक नाम आगे बढ़ेगा। कि तो अतिथि की सेवा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य भी हमारे साथ जुड़ेगा। आप देखते होंगे कि इस प्रकार के आयोजन में दृश्य और दृश्य दोनों प्रकार की शक्तियां उपस्थित होती है। हम भले ही अदृश्य शक्तियों को न देख पाते हो लेकिन उसका प्रभाव होता है। इसीलिए तो 12-15 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज के कुंभ में आते हैं। अदृश्य शक्तियों का प्रभाव है, आकर्षण है, चुंबकीय शक्ति है जिन्हें इस पूरे आयोजन की ओर खींच करके लेके आएगी। और इसलिए प्रशासन ने, शासन ने अपने स्तर पर पूरा प्रयास किया है। हर स्तर की हर प्रकार की सुविधाएं 11 बजे से ही लगातार पूरे कुंभ क्षेत्र में घूम रहे हैं, देख रहे हैं, एक एक व्यवस्था देख रहे हैं। प्रयागराज के अंदर हम लोगों ने विकास के लिए भी, यहां के विकास की दृष्टि से बहुत कुछ नया करने का प्रयास किया है। 1.5 वर्ष से कम अवधि में 10 से ज्यादा फ्लाईओवर का बन जाना, 6 अंडरपास का बनना, 264 से अधिक सड़कों का निर्माण होना, उसका चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण का कार्य होना, 64 से अधिक चौराहों का विस्तारीकरण होना, उनका सुंदरीकरण होना, अक्षय वट और सरस्वती कूप के दर्शन की सुविधा उपलब्ध कराना, कुंभ के क्षेत्रफल का विस्तार होना, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पहली बार लोगों को बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा।